ये जो एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं एल्डर और ओल्डर, ये दो एडजेक्टिव है, ये दोनों जो एडजेक्टिव है कॉम्पिटेटिव फॉर्म है। इस कॉम्पिटेटिव फॉर्म जो होता है ये किसका, ये किसका कॉम्पिटेटिव फॉर्म है, ये होता है ओल्ड का। ओल्ड का कॉम्पिटेटिव फॉर्म क्या होता है, एल्डर होता है, और इसी का ओल्डर भी होता है, ओल्ड एल्डर और एल्डर ओल्डर। इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो एल्डेस्ट यूज करते हैं और इसका ओल्डेस्ट, दोनों चीज का है ओल्ड है। ये पॉजिटिव फॉर्म है कंपैरेटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इसका, इसका यूज करना सीखते हैं। ये समझ में आ गया किसका कंपैरेटिव फॉर्म है, तो ओल्ड का ही है, दोनों का पॉजिटिव फॉर्म एक ही होता है, एल्डर और ओल्डर। एक और चीज याद रखना है कि ओल्डर के साथ हमेशा टू लगाते हैं, एल्डर के एल्डर के साथ में टू लगता है और ओल्डर के साथ में देन लगता है, एल्डर टू बोलते हैं ओल्डर देन बोला जाता है, ओके। अब देखिए ये जो चीज है दोनों का मीनिंग होता है बड़ा, एल्डर मीन बड़ा, ओल्डर का मीनिंग भी होता है बड़ा। इसका एक और सेंस निकलता है वो होता है पुराना, जहाँ हिंदी मीनिंग से काफी कुछ क्लियर हुआ होगा कि दोनों को किस तरह से यूज किया जाता है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते पुराना, वो जैसे ये जो बेंच है उससे ज्यादा पुराना है, दिस बेंच इज ओल्डर देन दैट, तो ये पुराना वाला सेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। एल्डर की बात करें तो एल्डर में एक और चीज होता है कि एल्डर जो है ना ये विद इन फैमिली मेंबर्स, सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर्स के लिए बड़ा और छोटा के लिए, मतलब बड़ा के लिए यूज करते हैं, विद इन फैमिली मेंबर्स, विद इन फैमिली मेंबर्स, एक ही फैमिली मेंबर्स के लिए हम इसका यूज करते हैं। जबकि ये जो होता है फैमिली मेंबर्स के बाहर होता है, आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स, आउट ऑफ फैमिली मेंबर्स, या फिर ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग होता है बड़ा, इसका मीनिंग होता है बड़ा या पुराना, यूज किया पुराना के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट ये बताया मैंने कि एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है, एल्डर टू ओल्डर देन होता है। एक ये जो एल्डर है ये फैमिली मेंबर के साथ यूज किया जाता है, मतलब लिमिटेड है, हम फैमिली मेंबर्स के बाहर इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली मेंबर्स के बाहर के यूज करना है तो ओल्डर के यूज कर सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए ओल्डर के यूज करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं एल्डर का, देखिए अगर ऐसा लिखना है जैसे सी जो वो है वो अपनी बहन से बड़ी है, शी इज एल्डर, शी इज एल्डर टू हर सिस्टर, शी इज एल्डर टू हर सिस्टर, आई एम द एल्डेस्ट सन, आई एम द एल्डेस्ट सन ऑफ माई पेरेंट्स। मैंने यहाँ पे इसका सुपरलेटिव डिग्री लिख दिया है एल्डेस्ट, लेकिन ये बताने के लिए कि फैमिली मेंबर में ही है, बाहर नहीं है। इसका ओल्ड एल्डर और एल्डेस्ट जो होता है हम एक ही फैमिली के अंदर यूज करते हैं, एक ही फैमिली के अंदर, खुद के फैमिली में। ओल्डर यूज कर सकते बाहर के लिए, ऐसा लिख सकता हूँ मैं राम इज ओल्डर Then his neighbor, वो अपने पड़ोसी से बड़ा है, older than, कौन इसके है नेबर, उसका घर के योग नहीं है। अगर घर के लोग होते तो मैं बोलता राम इज एल्डर देन हिज ब्रदर, ओके। ऑब्जेक्ट की बात करें जैसे ही बताया था सिंपल हो सकते हैं, दिस फैन इज ओल्डर देन That, उस फैन से फैन ज्यादा पुराना है। तो इस तरह से एल्डर ओल्डर के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया, और चूंकि ये अच्छी तरह से याद